एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल कैसे है टैली स्पेशलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का मेरा टैली क्लास का टॉपिक है कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरीज। कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरीज के बारे में आप लोगों को बताएंगे। जैसे लास्ट क्लास में आप लोगों ने बिल वाइज डिटेल कम्प्लीटली पढ़ा, जिसने मेरे बिल वाइज डिटेल की वीडियो ना देखी हो वो हमारे वीडियो को पीछे जा करके देख सकता है, डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो लिंक होगा जहां से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो आज का मेरा टॉपिक है कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। टॉपिक पर चलने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से कहना चाहता हूं, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक जरूर करें तथा हमारे वीडियोज को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी डेली क्लास को अटेंड कर पाए। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है कॉस्ट सेंटर्स एंड कॉस्ट कैटेगरीज। कॉस्ट सेंटर्स मीन्स अ कॉस्ट सेंटर्स कैन बी सेड टू बी एनी यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू विच ट्रांजेक्शंस जनरली रेवेन्यू मीन्स हो गया जो ट्रेडिंग का हम वर्क करते हैं, लेन देन जो ट्रांजेक्शंस हम करते हैं वो ट्रांजेक्शंस व्यापार से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस की बात यहां हो रही है। हम देखेंगे अ कॉस्ट सेंटर्स कैन बी सेड टू बी एनी यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू विच ट्रांजेक्शंस कैन बी एलोकेटेड। कहने का मतलब जो हम ट्रांजेक्शंस करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी संगठन या कंपनी से रिलेटेड, जो हम लेन देन करते हैं, ट्रेडिंग वर्क जो है हमारा, जो इसे हम रेवेन्यू कह सकते हैं, रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए जो हम वर्क करते हैं उसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को डिटेल्ड तरीके से डालने के लिए हम कॉस्ट सेंटर ऑप्शन का यूज करते हैं। कॉस्ट कैटेगरी क्या है? द कॉस्ट कैटेगरीज इज यूज टू एक्युमुलेटेड कॉस्ट और प्रॉफिट्स फॉर पैरेलल सेट ऑफ कॉस्ट सेंटर्स। कहने का मतलब कॉस्ट सेंटर्स को पैरेलल तरीके से लिखने के लिए, अपने डिटेल्ड को पैरेलल तरीके से एलोकेट करने के लिए हम कॉस्ट कैटेगरीज का यूज करते हैं। कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर्स में अंतर क्या है? कॉस्ट कैटेगरी एज अ ग्रुप एंड कॉस्ट सेंटर्स एज अ लेजर मीन्स हम कॉस्ट कैटेगरीज को ग्रुप की तरीके से ट्रीट करते हैं। कॉस्ट कैटेगरीज के अंतर्गत हम सेंटर्स को अलग अलग फॉर्मेट में व्यक्त करते हैं तथा जो कॉस्ट सेंटर है वो कैटेगरीज के अंतर्गत आता है। पैरेलल एलोकेशन टू कॉस्ट सेंटर बिलोंगिंग टू डिफरेंट कॉस्ट कैटेगरीज। अगर हमें अपने विषय को अपने, जैसे हम एज एग्जाम्पल आप समझें, जैसे हम सैलरी देते हैं, हमारी मान लीजिए दो ऑफिस है, एक मेन ऑफिस है एक ब्रांच ऑफिस है, अगर हम सैलरी देते हैं या जो भी एक्सपेंसेस करते हैं हम डायरेक्टली सैलरी लेजर बनाते हैं। अगर हमारे यहाँ है कि वेतन दिया तो एंट्री बनती है सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश, बट अगर हम कॉस्ट सेंटर्स यूज करें तो हम ये उसमें वेब दिखा सकते हैं कि हमने अपनी मेन ऑफिस पे कितनी सैलरी दी, किसको सैलरी दिया, वो सारा कुछ हम कॉस्ट सेंटर्स एंड कॉस्ट कैटेगरी की मदद से व्यक्त कर सकते हैं। तब भी हमारा लेजर सैलरी एंड कैश का ही बनेगा। एंट्री जब हम बाउचर में करेंगे तो यही एंट्री करेंगे सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश, बट सैलरी अकाउंट डीआर तो सैलरी हमने किसे दिया और कहां कहां दिया, किसे दिया कहां दिया कितना दिया, वो सब कुछ हम कॉस्ट सेंटर्स के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। और किसे दिया कहां दिया कितना दिया ये करने के लिए, पैरेलल फॉर्मेट में देने के लिए हमें कॉस्ट कैटेगरीज की जरूरत होगी, जो हम कॉस्ट कैटेगरीज में बनाएंगे। जैसे मेन ऑफिस और ब्रांच ऑफिस हम बना ले, जिसे हमें सैलरी देना है अपने एम्प्लॉयज का भी कैटेगरी बना ले, तो ये कैटेगरीज हो गई, और एम्प्लॉय कैटेगरी हो गया और एम्प्लॉयज के नेम जो हो गए वो सेंटर हो गया। तो ये सारा इस तरह से हम उसको आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। यहां मैं केवल आपको समझा रहा हूं कि कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी है क्या। तो आप समझे, कॉस्ट सेंटर का मतलब है जो हम ट्रांजेक्शंस करते हैं, जैसे हम कोई भी इनकम या एक्सपेंस करते हैं उसको हम डिटेल्ड में व्यक्त करना चाहते हैं तो कॉस्ट सेंटर्स की मदद से हम उसको आसानी से कर सकते हैं। और कैटेगरी क्या करता है? उसी कॉस्ट सेंटर्स को पैरेलल एलोकेट करने के लिए हम कॉस्ट कैटेगरीज का इस्तेमाल करते हैं। तो आप को आज मैं थ्योरेटिकल बता रहा हूं, आपको मैं आज बोर्ड पे उसका कॉन्सेप्ट केवल क्लियर कर रहा हूं आपके सामने, ये सारी चीजें विद एग्जांपल मैं आपको कंप्यूटर पे करके दिखाऊंगा। तो हम मिलेंगे अगली अपनी नेक्स्ट क्लास में, जब हम आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल करके इसको अच्छी तरीके से बताएंगे समझाएंगे।
कहने का मतलब आपका जो कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी से रिलेटेड कोई भी आपके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी, आपको कंप्लीटली डीपली तरीके से आपको कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।